नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एस डाइकेरिया का तटबंध टूटने से कहलगांव एनटीपीसी की 4 यूनिट से उत्पादन ठप। बिहार में गहरा सकता है बिजली संकट। बिहार के चर्चित सृजन घोटाला मामले के 3 वर्ष हुए पूरे, सीबीआई की पकड़ से मुख्य आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया बाहर। स्वतंत्रता दिवस को लेकर शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। सिटीएसपी ने शांतिपूर्वक राष्ट्रीय त्योहार मनाने की अपील। कोरोना संक्रमण के कारण मंदिरों में स्थापित नहीं होगी विहुला विषहरी की प्रतिमा। एसएसपी ने सभी थाना अध्यक्षों को दिए निर्देश। और एलजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद डिप्टी मेयर ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ख्याल। अब खबरें विस्तार से। बिहार में बिजली संकट कभी भी गहरा सकता है। कहलगांव एनटीपीसी के 4 यूनिट से बिजली का उत्पादन ठप हो गया है, जिसके कारण 2340 मेगावाट के स्थान पर महज 910 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। हालांकि एनटीपीसी प्रबंधन टूटे तटबंध और तकनीकी खराबी को दुरुस्त कराने में लगा हुआ है, लेकिन हालात पर शीघ्र कंट्रोल नहीं किया गया तो सूबे में बिजली संकट पैदा हो जाएगी। दरअसल एनटीपीसी के एस डाइक एरिया में बने कमजोर तटबंध की वजह से गुरुवार दोपहर के बाद लैगून नंबर 2 में पानी का भारी दबाव हो गया था, जिसके कारण बड़े भूभाग में धसान हो गया और इसकी वजह से सेनोस्फीयर सीमेंट सहित कई मशीनें उसके आगोश में आ गई, जिसके कारण एनटीपीसी की 4 यूनिट में बिजली का उत्पादन ठप हो गया है। वहीं एनटीपीसी प्रबंधन की ओर से जारी प्रेस रिलीज में प्रिवेंटिव मेजर के रूप में 4 यूनिट को बंद किए जाने और एस डाइक लैगून नंबर 2 को ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किए जाने की बात प्रबंधन की ओर से कही गई है। मामले की जाँच के लिए एनटीपीसी प्रबंधन की ओर से एक तकनीकी कमेटी का भी गठन किया गया है। तटबंध टूटने के कारण एस डाइक एरिया में जमा एस वाटर आसपास के खेतीहर जमीन में फैल गई है, जिससे खेत में राख और गंदा पानी जमा हो गया है और खेती को भी नुकसान हो रही है। हालांकि एनटीपीसी प्रबंधन की ओर से ध्वस्त हुए तटबंध को शीघ्र दुरुस्त कर लेने का दावा किया जा रहा है, जिससे चारों यूनिट से बिजली का उत्पादन फिर से शुरू किया जा सके। सृजन घोटाला मामले के खुलासे के 3 साल हो गए हैं, लेकिन सीबीआई किसी विशेष नतीजे पर नहीं पहुँच पाई है। यहां तक कि सृजन के मुख्य आरोपी अमित कुमार और प्रिया कुमार भी गिरफ्तारी तो दूर, पता नहीं कि कहां हैं। इतना ही नहीं, गिरफ्तार किए गए आरोपी भी एक एक कर जमानत पर रिहा हो रहे हैं। फलस्वरूप सीबीआई जांच पर ही सवाल उठने लगे हैं। अवैध हस्तांतरण कर अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और बैंक कर्मियों की मिलीभगत से किया गया 1600 करोड़ रुपए से अधिक सरकारी राशि के घोटाले का मुख्य आरोपी अमित कुमार और प्रिया कुमार अभी तक पुलिस के पकड़ से दूर हैं। बता दें कि 7 अगस्त 2017 को उजागर हुआ सृजन घोटाला बिहार का सबसे बड़ा घोटाला है। सृजन मामले का खुलासा 3 साल पहले तत्कालीन जिलाधिकारी आदेश तितरमारे ने किया था। मामले के खुलासे को लेकर सीनियर एसपी के नेतृत्व में पहले एसआईटी का गठन किया गया और ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, जिसमें 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद मामला जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया। पर आज घोटाला के 3 साल पूरे हो जाने के बाद भी चंद बैंक कर्मियों और सरकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के अलावे मामले में सीबीआई को कोई खास बड़ी उपलब्धि नहीं मिली है, जिसको लेकर सीबीआई जांच भी सवालों के कटघड़े में आ गया है। वहीं दूसरी ओर धीरे धीरे गिरफ्तार आधा दर्जन से अधिक आरोपी जमानत पर रिहा भी हो गए हैं। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। शुक्रवार को जिला पुलिस कप्तान आशीष भारती के निर्देश पर भागलपुर पुलिस लाइन परिसर से सिटीएसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस लाइन से निकाला गया फ्लैग मार्च तिलका मांझी चौक होते हुए शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरा। इस दौरान सिटीएसपी के साथ सिटीडीएसपी राजवंश सिंह ने सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों का जायजा लिया। वहीं सिटीएसपी ने लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील की। सिटीडीएसपी ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर है और जो लोग सरकारी दिशा निर्देश का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फ्लैग मार्च निकाले जाने से पूर्व सिटीएसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि जिले में विधि व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर पुलिस काफी सतर्क और सक्रिय है। साथ ही कहा कि पुलिस की साइबर सेल सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले या भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर नजर रख रही है। फ्लैग मार्च में कोतवाली, ततारपुर, मुजाहिदपुर, इसाकचक, ललमटिया, सबौर समेत कई थानों की पुलिस शामिल रही। ये वैसे आपकी चलिए पुलिस का रूटीन वर्क है, हम लोग नियमित रूप से हम लोग फ्लैग मार्च या इसके अलावा गश्ती है, वाहन चेकिंग हम लोग करते रहते हैं। उसके पीछे मेन जो रहता है कि वो आम आदमी में भय का माहौल नहीं हो, पुलिस के प्रति विश्वास बनी रहे और जो अपराधी है उसके मन भय का माहौल पैदा हो, ये मुख्य उद्देश्य है।
और दूसरा 15 अगस्त सामने है, उसको हम लोग देखते हुए हम लोग हैं, DSP साहब हमारे हैं, सभी थाना प्रभारी है, अन्य पुलिसकर्मी भी है, हम लोग पूरे शहर में फ्लैग मार्च करेंगे ताकि 15 अगस्त देखते हुए जिनके थोड़ा भी बदमाशी करने का दिमाग बातें आएगी वो बातें दब जाएंगी और जो आम आदमी है उनके दिल में पुलिस पर भरोसा बढ़ेगा। कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष अंग क्षेत्र में प्रसिद्ध बिहुला बिसरी पूजा को लेकर मंदिरों में प्रतिमा स्थापित नहीं की जाएगी और न ही किसी प्रकार का धार्मिक जुलूस निकाला जाएगा। SSP आशीष भारती ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के सभी थानाध्यक्षों को पूजा समिति के सदस्यों से बात कर प्रतिमा स्थापित नहीं करने का निर्देश दिया है। SSP ने सभी थानाध्यक्षों को लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने और सामूहिक पूजा नहीं करने की बात विसरी पूजा कमेटी के लोगों को बताने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूजा कमेटी नियम का उल्लंघन करती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद लोजपा नेता सह डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के आवास पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें युवा एवं व्यापारी वर्ग के करीब 50 लोगों ने जिलाध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। लेकिन पूरे कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती रही। लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं से भी पालन होता नजर नहीं आया। शहर के डिप्टी मेयर द्वारा इस प्रकार का लापरवाही यह बता रही है कि जिलेवासियों की जान उनके लिए कितनी मायने रखती है। कार्यक्रम में डिप्टी मेयर समेत लोजपा के कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का इस प्रकार से उल्लंघन करते दिखे जैसे उन्होंने कोरोना के वैक्सीन का इजाद कर लिया हो। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 3200 के आंकड़े को पार कर चुकी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे AC, non-AC, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। डॉक्टर शशिकर MD रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी MRI स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनलॉक 3 में छूट मिलते ही अपराधी बेखौफ होकर लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। भागलपुर शाकचक थाना क्षेत्र के भिकनपुर नेत्रहीन विद्यालय के समीप गुरुवार की रात बदमाशों ने हथियार के बल पर मेडिकल दुकान में लूटपाट की। इस दौरान बदमाशों ने दवा दुकान संचालक सज्जन कुमार अग्रवाल के साथ मारपीट कर काउंटर में रखा 35,000 रुपया और 2 मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गया। घटना के बाद दुकानदार ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और घटना की सूचना इशाकचक पुलिस को दी। वहीं मामले की सूचना मिलते ही इशाकचक थानाध्यक्ष संजय कुमार सुधांशु दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित व्यवसायी से घटना के संबंध में जानकारी ली। पीड़ित व्यवसायी सज्जन कुमार अग्रवाल ने बताया कि रात 9 बजे एक बाइक पर सवार 3 बदमाश उसकी दुकान पर पहुंचे और बंदूक के बल पर गले में रखा सारा रुपये और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। तीनों बदमाशों ने अपने चेहरे को मास्क से पूरी तरह ढक रखा था। इधर इशाकचक पुलिस आसपास में लगे CCTV फुटेज को खंगाल रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि बदमाशों की पहचान की जा रही है और जल्द ही घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी 3 लड़का आया था, अभी 3 लड़का हम यहाँ पर मैंने शटर गिराने ही वाले थे, अपना समेट के जाने ही वाले, चाबी मेरे हाथ में था, मोबाइल यहाँ सामने काउंटर के ऊपर में रखा हुआ था। 3 लड़का घुसा, हम सोचे कोई कस्टमर होगा, लेकिन एक भी एक रिवाल्वर सटाया, रिवाल्वर सटा करके हमारे माथे पे, एक लड़का तो छोटा सा जो लड़का पीछे तरफ मेरी तरफ आया और प्राग से खूब कस के मेरे माथे पर बट से मारा, ब्लड फेंक दिया और हम बैठ गए। उसके बाद दोनों लड़का जब ठक बोला गोली मार देंगे तो जितना है समझा निकाल के दे दो। उसके बाद हम लोग, भैया मेरे पॉकेट में जो है ले लो, गल्ला वल्ला में कुछ नहीं है वहाँ पर। सूबे में किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन बिहार सरकार की नींद नहीं खुल रही है। सरकार किसान को बढ़ावा देने और उनके विकास का फर्जी दावा करते दिख रहे हैं। भागलपुर नवगछिया के किसानों की समस्या लगभग 15 साल से ज्यों की त्यों बरकरार है। बिहार में पिछले 15 वर्षों से नीतीश कुमार सत्ता में हैं। नवगछिया के रंगरा प्रखंड स्थित सोहरा गांव में NH 31 के किनारे सैकड़ों परिवार बसे हुए हैं, लेकिन घर से निकलने के लिए कोई साधन नहीं है। बाढ़ के पानी ने पूरे गाँव को अपनी चपेट में ले लिया है और लोग अपने घर से निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं पीड़ित किसान ने कहा कि हम लोग खेती कर लोगों के लिए अनाज उपजाते हैं, लेकिन हम लोगों की जिंदगी अंधकार में है। चुनाव के समय कई नेता वोट मांगने आते हैं और दावा करते हैं कि जीत जाएंगे तो समस्या से निजात दिला देंगे, लेकिन सभी दावा खोखला दिखाई पड़ रहा है। हालात यह है कि लोगों ने खुद चंदा कर घर से निकलने के लिए चचरी का पुल निर्माण कराया है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार किसानों की समस्या पर कब तक महरम लगा पाती है। किसको जिताएंगे, हम लोग यहाँ बाहर प्रीत में 10-15 साल से हम लोग पानी में रह रहे हैं। हमको प्रतिनिधि कोई देखने वाला गांव में जो बनाया गया है, जो हमारा मुखिया सरपंच विधायक और जब ऊपर से हम लोग कैसे रहते हैं, कोई हुलकी मारने वाला नहीं है कि आप लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे टप रहे हैं। हम लोग नीतीश को कैसे जिताएंगे आपकी बार में। कहा जाए यहाँ से हेला पानी है, उधर से फंसा हुआ सामान भी निकालने का कोई चीज का उपलब्ध नहीं है, और कैसे आ रहा उस जगह से, परिवार सब फंसा हुआ है, महिला सब अंदर में है। पुरानी गांव से आके कट के आया रेलवे बांध में, वो रेलवे बांध कट गया, उसके बाद यहाँ आया है, यही परेशानी है। जैसे जैसे कोरोना का कहर जिले में हावी होता जा रहा है, लोग कोरोना के संक्रमण को कमजोर समझने लगे हैं। शहरी क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं बची है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो भागलपुर नाथनगर के बैंक ऑफ इंडिया की है, जहां लोगों ने पुलिसकर्मियों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाकर रख दिया। बता दें कि बैंक में कई लोग पैसा जमा या निकासी के लिए प्रतिदिन आते हैं, ऐसे में बैंक प्रशासन को इसका ख्याल रखना चाहिए, पर बैंक के बाहर सड़कों तक नासमझों की लंबी कतार बैंक प्रशासन की लापरवाही का सबूत दे रही है। कोसी स्नातक विधान परिषद चुनाव को लेकर प्रत्याशी सह राजद नेता डॉक्टर नितेश कुमार यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में चुनाव की रणनीति तैयार करने को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, जिससे विधान परिषद चुनाव में जीत सुनिश्चित की जा सके। डॉक्टर नितेश यादव अपने समर्थकों के साथ चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और चुनावी मैदान मजबूत करने के लिए जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आगामी अक्टूबर माह में कोशी स्नातक चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है और इसी को लेकर तमाम संभावित प्रत्याशी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। इस दौरान राजद महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष निशु सिंह ने नए कार्यकर्ताओं को राजद की सदस्यता ग्रहण कराई। मौके पर राजद के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोगों ने एक बैठक रखा और बैठक में बहुत सारी जो स्नातक महिलाएं हैं और खास करके नगर निगम क्षेत्र की महिलाएं जो कि काफ़ी एक्टिव हैं नगर निगम क्षेत्र में, वो आज राजद की सदस्यता ग्रहण की हैं। और हम लोग पूरे विश्वास के साथ कि भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में कोसी स्नातक चुनाव में राजद पूरे मजबूती के साथ नगर निगम में लीड करेगा, इसी उद्देश्य से काफ़ी संख्या में महिलाएं आज राजद ज्वाइन की।
मुख्य राजद के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है महिलाओं के लिए, और मैं चाहूंगी कि राजद में महिला सशक्त बने, और मैं इस टीम को बहुत आगे बढ़ाना चाहूंगी। और भागलपुर के लिए ये बहुत शान की बात है कि बहुत एक्टिव महिला, बहुत रुझारू महिला हमारे टीम में आई हैं। बांका के फुल्ली डूमर प्रखंड के गोबरदहा गांव में 10 वर्ष पूर्व निर्माण किए गए सोलर मिनी पानी टैंकी काफी समय से बेकार पड़ी है। आदिवासी बहुल गांव में लगभग 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित पानी टैंकी का लाभ आज तक ग्रामीणों को नहीं मिल सका है। इसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। आक्रोशित ग्रामीणों ने विभाग के अधिकारियों से घर घर पानी पहुंचाने की मांग करते हुए कहा कि अगर पानी नहीं मिल सकता तो गांव में टैंकी का कोई काम नहीं है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि यदि जल संकट दूर नहीं हुआ तो मुख्य सड़क जाम कर जल समस्या का समाधान होने तक आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि पहाड़ की ऊंचाई पर होने के कारण गांव में ना तो कुआं है और ना ही चापाकल काम करती है, जिस कारण ग्रामीणों की जिंदगी नदी के पानी पर आश्रित है। वहीं मौखिक एवं विभिन्न माध्यम से सक्षम पदाधिकारी को सूचना देकर समाधान की मांग की गई, पर सारा प्रयास असफल रहा। इधर जेई मिंटू कुमार ने बताया कि संवेदक को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है और आगे की प्रक्रिया जारी है, जिससे जल्द ही समस्या का समाधान हो सकेगा। टैंकी बनने से पीआईडी द्वारा बनाया गया था आज से करीब 8-9 बरस पहले, लेकिन इसमें मोटर ठीक ठाक से चलता नहीं है, लोरिंग भी नहीं है, मोटर भी फेल है, पानी भी थोड़ा देर चलता है बंद हो जाता है, पाइप भी ठीक से नहीं गाड़ा गया है, वो लोहा वाला पाइप दिया है, हर जगह लीक करता है। आज तक जब से बना है तब से एक भी दिन पानी नहीं चला है। ये पीएचडी से बना है ना? पीएचडी से बना है। कितना साल पहले बना है? आज करीब 10 साल लग सकते। मधुसूदनपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नूरपुर पंचायत में बाइक चोरी के आरोपी नया टोला मिर्जापुर निवासी सुखराज कुमार को गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी के निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई बाइक भी बरामद की है। बता दें कि बीते 4 अगस्त को नाथनगर सीटीएस सिपाही प्रशिक्षण केंद्र में बैंड सिपाही पद पर कार्यरत कजरेली निवासी जितेंद्र कुमार दास की बाइक चोरी हो गई थी, जिसके बाद मामले की सूचना मधुसूदनपुर पुलिस को दी गई। इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक के साथ आरोपी सुखराज कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने कहा कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एस डाइक एरिया का तटबंध टूटने से कहलगांव एनटीपीसी की 4 यूनिट से उत्पादन ठप, बिहार में गहरा सकता है बिजली संकट। बिहार के चर्चित सृजन घोटाला मामले के 3 वर्ष हुए पूरे, सीबीआई की पकड़ से मुख्य आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया बाहर। स्वतंत्रता दिवस को लेकर शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च, सीटीएसपी ने शांतिपूर्वक राष्ट्रीय त्यौहार मनाने की अपील। कोरोना संक्रमण के कारण मंदिरों में स्थापित नहीं होगी विहुला विषहरी की प्रतिमा, एसएसपी ने सभी थाना अध्यक्षों को दिए निर्देश। और एलजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद डिप्टी मेयर ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ख्याल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।